वही अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी ने मॉनसून के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम और तहसीलदारों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने तहसील क्षेत्र में बारिश से पैदा हुए हालात की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि बैठक में पता चला कि सभी जगह स्थिति सामान्य है। ऋषिकेश के शहरी इलाकों में अभी जलभराव की स्थिति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देहरादून शहर के अंदर नगर निगम के कंट्रोल रूम या कलेक्ट्रेट के आपदा कंट्रोल रूम में अगर कहीं जलभराव की शिकायत आ रही है तो हम वहां अपनी टीम भेज रहे हैं। अभी मेरे द्वारा एसडीएम और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन्स हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया है उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है वहाँ पर हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा सच हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीज़ें निकल के आई और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया।